चलो बच्चे, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थियरम 6.8। ये लास्ट थियरम है बच्चा। इसमें जो कंसेप्ट है वो एक्सटीरियर एंगल एंड इंटीरियर ऑपोजिट एंगल वाला कंसेप्ट है, जिसमें आपने थोड़ी प्रैक्टिस की होगी तो ही आपको समझ में आएगा। कहने का मतलब है, इसकी पहले की वीडियो देखी होगी इससे एक पहले, जिसमें मैंने इंटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं और इंटीरियर ऑपोजिट एंगल किसको बोलते हैं, वो मैंने समझाया था। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिगर ड्रॉ करते हैं, जो गिवन प्रूफ वो सब कुछ लिखना शुरू करते हैं। इफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज प्रोड्यूस देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ दैट टू इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। कहने का मतलब बहुत सिंपल है, एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल ए बी सी, ये ट्राइंगल है जिसमें बोला गया है कि हमें यहाँ पे एक जगह कोई भी ट्राइंगल की एक साइड आप क्या करो, आप करोगे प्रोड्यूस करोगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एक पॉइंट आ गया डी, तो ये जो एंगल बनेगा वो एक्सटीरियर एंगल बोला जाएगा। क्लियर है? तो बस वही पॉइंट बात हो रही है, यहाँ पे एंगल वन लिख दिया, एंगल टू लिख दिया, यहाँ पे एंगल टू लिखा तो यहाँ पे थ्री लिख दिया और यहाँ पे फोर। समझने में इजी रहे इसलिए ये वन टू थ्री करवा रहा हूं, बाकी आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हो, इसमें कोई एंगल के नाम के हिसाब से भी कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो आप लिखोगे पहला जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, तो आप बोलोगे सर सब पहला पॉइंट है गिवन में, तो जो दिया हुआ है वही लिखेंगे, गिवन में लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी सी। बच्चा सर ने थोड़ा कुछ लिख लिया है, वो पहले डिस्कस कर लेते हैं क्या लिखा हुआ है। ट्राइंगल ए बी सी इन विच साइड बी सी प्रोड्यूस टू डी, ये ट्राइंगल ए बी सी है, हमने प्रोड्यूस किया हुआ है सी साइड से डी पॉइंट प्रोड्यूस किया है टू फॉर्म एन एक्सटीरियर एंगल ए सी डी, ए सी डी वेर। अब लिखना बच्चा शुरू करता है, एंगल जो ए है वो हमारा वन बन जाएगा, एंगल बी है वो टू, एंगल सी इज इक्वल टू थ्री और यहाँ पे एंगल जो ए सी डी है वो बन जाएगा फोर। क्लियर है बच्चा? ये हमने लिख लिया जो मेन पॉइंट है, ये नहीं लिखोगे तो मार्क कट होने के चांसेस है। आप लिखोगे सर अब इसके बाद जो प्रूव करना है वो लिख देते, तो प्रूव जो करना है बहुत सिंपल है, ये जो एंगल है उसके ऑपोजिट कौन से बोले जाएंगे, उसके साथ जो लिंक होता है उसको ऑपोजिट नहीं बोलते, तो इसको आप रख लोगे तो आपको वन एंड टू दिखेगा, तो यहाँ पे बोलेंगे एंगल वन प्लस एंगल फोर इज इक्वल टू एंगल, आप बोलोगे सर एंगल टू बोला जाएगा, एंगल वन प्लस एंगल टू, इसको आप रख दोगे तो क्या दिखेगा वन एंड टू, क्योंकि जो बाहर की साइड है एक्सटीरियर एंगल है वो है फोर एंगल, तो फोर एंगल को आप दबा देते हो तो दिखेगा वन एंड टू, उसके साथ वाले को भी दबाना है, मतलब यहाँ पे जो भी ट्राइंगल दिया होगा यहाँ पे वन है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे थ्री है, सपोज हम यहाँ कर रहे हैं तो यहाँ पे सपोज एंगल फाइव लिखा, तो ये दोनों को आप दबा दोगे तो दिखेगा क्या टू एंड थ्री, ये ऑलरेडी हमने पहले डिस्कस किया हुआ है तो आपको ये डाउट नहीं आना चाहिए। जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है बच्चा आप बोलोगे सर अब क्या होगा, प्रूफ तो हो गया, तो आप प्रूफ शुरू करते हैं। प्रूफ में बहुत सिंपल है, एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री क्या बन जाएगा बच्चा, तो आप बोलोगे 180, क्या लिखोगे सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, तो वही बच्चा लिखना है सम ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180, ये पॉइंट खत्म। उसके बाद बच्चा आप दूसरा क्या लिखोगे, तो दूसरा बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे भी दूसरा पॉइंट आएगा एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, आप क्या लिखोगे लीनियर पैर, क्या लिखोगे लीनियर पैर, ये एंगल देखो आप शांति से, यहाँ पे जो बन रहा है तो ये एंगल 3 एंड 4, तो कौन सा बनेगा लीनियर पैर। बस बच्चा अभी आगे चलते हैं, इसको यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे वन, इसको लिखेंगे टू, क्या लिखोगे फ्रॉम वन एंड टू, तो डायलॉग लिखना है तो लिख सकते हो टू थिंग इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, कहने का मतलब दोनों 180 है तो ये दोनों इक्वल होंगे, तो आप बोलोगे हाँ सर होंगे, तो लिखेंगे एंगल वन प्लस एंगल टू प्लस एंगल थ्री इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल थ्री प्लस एंगल फोर, एंगल थ्री थ्री कट हो जाएगा तो एंगल वन प्लस एंगल टू इज इक्वल टू एंगल फोर, प्रूव क्या करना था तो वही प्रूव करना था।
बहुत सिंपल है लेकिन एग्जाम में बहुत आता है, तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि ये प्रॉपर लिखना समझना, तब जाके आपको क्लियर होगा, अदरवाइज कंफ्यूजन आएगा। लिख लो बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए एक सम के साथ, जिसमें अब रियल सम शुरू हो जाएंगे एक्सरसाइज 6.3 के। थोड़ा प्रॉपर नोटबुक में लिखना, स्टेटमेंट तो जल्दी क्लियर होगा, शांति से लिख लो, उसके बाद हम आगे चलते हैं।